सुप्रीम कोर्ट के अहकाम पर नसला टावर को गिराने के लिए इंतजामिया मुतहरिक है। नसला टावर को खाली करने की मुद्दत का आज आखिरी रोज। इमारत से रिहायशियों ने सामान की मुंतकली शुरू कर दी है। कमिश्नर कराची ने नसला टावर को मिसमार करने से मुतल्लिक अखबारात में इश्तिहार शाया करा दिए। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज मोनिस अहमद से। जी मोनिस, बताइएगा सूरत हाल। देखिए बिल्कुल, आज 27 अक्टूबर का वो दिन आखिरी दिन है कि जब यहाँ पे जो इमारत के मकीन उनको खाली करने के लिए आखिरी रोज़ है ये, और ये बता दिया गया था 27 अक्टूबर तक इमारत जो है वो खाली कर दी जाए। इसके बाद मैन्युअली या फिर जो डिटोनेशन के ज़रिए ऑपरेशन है वो शुरू किया जाएगा इस इमारत को मस्मार करने का। तो हमने देखा है कि कुछ फैमिलीज़ यहाँ से नकल मकानी कर रही हैं, सामान यहाँ से शिफ्ट किया जा रहा है मुख्तलिफ गाड़ियों में, और अभी बताया जा रहा है कि तकरीबन 5 से 6 फैमिलीज़ जो हैं, कुछ ख़ानदान, वो इस इमारत में अभी भी मुकीम है। यहाँ पर गुज़श्ता रोज़ भी मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से आमद का सिलसिला जारी रहा, उनके रहनुमाओं की जानिब से मुतासरीन से इजहार यकजहती की जाती रही है। आज भी मुतवक्का है कि यहाँ पर सियासी जमातों के लोग आएंगे, जबकि दूसरी जानिब जो कमिश्नर कराची जिनको ये टास्क दिया गया है उनकी जानिब से भी खासी तेज़ी देखने में आ रही है। गुज़श्ता रोज़ एक अहम इजलास हुआ था कमिश्नर हाउस में, उसमें उसके बाद ये फैसला किया गया था कि इस इमारत को मस्मार करने के लिए बारूदी मवाद के जरिए बाकायदा इश्तिहार के जरिए कंपनीज को तलब किया जाएगा, और आज इश्तिहार जारी कर दिया गया है जिसमें ये कहा गया है कि 3 रोज़ के अंदर जो दिलचस्पी लेने वाली कंपनियां हैं वो राबता करें, और जिनको मुकम्मल तौर पे महारत हासिल हो इस तरह की बारूदी मवाद के जरिए बुलंद इमारतों को मस्मार करने के लिए। तो आज ये इश्तिहार जारी किया गया है, जबकि जो सुप्रीम कोर्ट के अहकाम हैं उसकी पैरवी करते हुए 1 नवंबर को तमाम तर मरहले में जो भी पेशरफ है उसकी रिपोर्ट जमा करानी है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के ये वाज अहकाम हैं कि इमारत को खाली कराने के बाद मस्मार किया जाए और 1 नवंबर को रिपोर्ट जो है वो जमा कराया जाए सुप्रीम कोर्ट में। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि खासी अभी तक गैर वाज सूरत हाल नज़र आ रही है, क्योंकि जो मैनुअल भी ऑपरेशन अब तक शुरू नहीं हो सका। अगर हम ये कहें कि यहाँ पे कोई टीम आई है, कोई मज़दूरों ने कार्रवाई शुरू की गई हो, क्योंकि अब महज चंद ही नहीं बचे हैं सुप्रीम कोर्ट के अहकाम के हवाले से, लेकिन हमने देखा है कि जो ख़ानदान यहाँ पर मुतासरीन है वो खासे परेशान और खासे मुश्किल का शिकार नज़र आते हैं। गुज़श्ता रोज़ भी उनका यही मुतालबा था कि भाई पहले जो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है उसका पहला हिस्सा ये है कि मुतासरीन को जो है कंपनसेशन अदा की जाए, जो कंपनसेशन का मैकेनिज़म वाज़े किया जाना चाहिए, किस मैकेनिज़म के तहत कंपनसेशन की जाएगी, क्योंकि मुतासरीन का मुतालबा यह है कि जो आज का मार्केट रेट है इस वैल्यू का, यहाँ के फ्लैट्स का, यहाँ की इमारत का, उस हिसाब से उनको मुआवजा अदा किया जाए, और यही उनका वाज़े मुतालबा है। उसके बाद यहाँ से मस्मार किया जाए इस इमारत को। मुतासरीन का ये कहना है कि वो यकीनी तौर पर सुप्रीम कोर्ट के अहकाम की पैरवी करने पर तैयार है, लेकिन जो उनको माकूल मुआवजा है आज के रेट के हिसाब से, जो कि यहाँ पे 3 बेड और 4 बेड के फ्लैट्स बताए गए हैं, तकरीबन 3 करोड़ रुपए मार्केट वैल्यू बनती है, उस हिसाब से इनको मुआवजा अदा किया जाए, उसके बाद इस इमारत को मस्मार किया जाए। जी मोनिस अहमद, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया।